वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उज्ज्वल और आज की वीडियो में मैं कॉल करने वाली हूँ कुछ हॉन्टेड नंबर्स को। सो आप सबको तो पता ही होगा कि हॉन्टेड नंबर्स क्या होता है, और जिनको नहीं पता तो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि हॉन्टेड नंबर्स कुछ, अगर आप गूगल करते हो तो कुछ हॉन्टेड नंबर्स की लिस्ट आती है जिसमें कि नंबर्स होते हैं और उसके नीचे स्टोरीज़ मेंशन होती है, और हर स्टोरीज़ में बहुत सारे रिव्यूज़ भी आ रखे होते हैं, और उन रिव्यूज़ में लिखा हुआ ही होता है कि अगर आप इन नंबर्स को कॉल करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और स्कैरी नॉइज़ सुना देंगे, और उसको सुनने के बाद आप इतना ज़्यादा डर जाते हो कि आपकी डेथ भी हो सकती है। लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं, और इन सब के रिव्यूज़ में मैंने यही पढ़ा था, और कुछ रिव्यूज़ में तो ये भी लिखा था कि अगर आप उन नंबर्स को कॉल करते हो तो डायरेक्ट आपकी कांटेक्ट डेविल से होती है और वो डेविल आपसे बात करता है। ये मेरा, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर भी अभी बज रहे हैं रात के शायद कितने बज रहे हैं, रात के सीधे 2:30 बज रहे हैं, और 2:30 बजे मैं उन नंबर्स को कॉल करने वाली हूँ। आप देख सकते हो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा है। फिर भी 2:30 बज रहे हैं, और उस बजे 2:30 बजे मैं उन नंबर्स को कॉल करने वाली हूँ, और कॉल करके देखती हूँ कि क्या सच में भूतों के पास फ़ोन होते हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर। हमारी जो सबसे फर्स्ट नंबर है वो है 09044444444। तो जापान में इस नंबर को सडाकूज नंबर कहा जाता है। इस नंबर पे अगर हम लोग कॉल करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज क्रीपी नॉइज सुनाई देगा, और उसके बाद इस नंबर को जो भी कॉल करता है उसकी विद इन अ वीक डेथ हो जाती है। और जापान में फोर शी साउंड जो है उसे शी का मतलब होता है डेथ, तो सडाकू जो होता है वो एक घोस्ट होता है, वो रिंग मूवीज़ में जो होता है वो एक घोस्ट का रोल करता है। शायद इस नंबर को इसीलिए सेट किया गया था कि हमारे उस फिल्म्स को प्रमोट किया जा सके। अभी मैं इस नंबर को कॉल करके देखती हूँ कि क्या सच में घोस्ट के पास कॉल लगता है या नहीं। लेट्स स्टार्ट। मैंने ये नंबर डायल कर लिया है, और अब इसको कॉल करके देखते हैं कि क्या सच में ये नंबर। इस नंबर पे अभी स्विच्ड ऑफ आ रहा है, लेकिन ये नंबर सच में किसी का है, तभी ये नंबर स्विच्ड ऑफ आ रहा है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, फर्स्ट नंबर में ही ये स्कैरी चीज़ हो गया है। फिर भी चलिए नेक्स्ट नंबर कॉल करके देखते हैं कि नेक्स्ट नंबर नंबर है वो 666 यानी 666 है। इसको कहा जाता है कि USA में कहा जाता है कि इस नंबर पे अगर हम कॉल करते हैं तो इससे डायरेक्ट कांटेक्ट हमारे डेविल से होती है। बहुत लोगों ने इस नंबर पे कॉल भी किया है, और उन लोगों ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी कॉल वगैरह नहीं लगता है, लेकिन बहुत लोगों ने कहा है कि उन्होंने कॉल किया है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्कैरी नॉइसेस सुनाई दी है। चलिए हम उस 666 वाले नंबर को कॉल करके देखते हैं कि क्या सच में वो कॉल लगता है या नहीं। 666 नंबर मैंने डायल कर लिया, अब इसको कॉल लगा के देखते हैं कि सच में ये कॉल लगता है कि नहीं। और अगर आप लोगों को टाइम दिख रहा होगा तो देख लो टाइम कितना हो रहा है। चलो मैं इस नंबर को कॉल करके देखती हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर ली। ये नंबर अमान्य बता रहा है। इससे पहले भी मैंने 4-5 बार इस नंबर पे कॉल किया था, लेकिन यही रिप्लाई आया उधर से कि ये नंबर अमान्य है। चलिए आप अपना नेक्स्ट नंबर को कॉल करके देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है वो है 8586515050, और इस नंबर पे ये लिखा हुआ है कि अगर हम लोग कॉल करते हैं तो हमें ये तीन सेंटेंसेस सुनाई देती है, 3 लाइन सुनाई देती है। फर्स्ट है देयर वॉज वाटर इन द क्लियर आफ्टर द हैवी रेन, और सेकेंड है स्मोक पॉड आउट ऑफ एवरी क्रैक, दोज वर्ड्स, और जो थर्ड वाली है ये दोज वर्ड्स वेयर द क्यू फॉर द
वॉन्टेड टू लीव। सो अगर इस नंबर को हम लोग कॉल करते हैं सो ये दो पर्सन से सुनाई देती है। जो फर्स्ट वॉइस रहती है वो किसी मेल की रहती है और जो सेकंड वॉइस रहती है वो किसी फीमेल की रहती है। तो चलिए हम लोग इस नंबर को कॉल करके देखते हैं कि क्या सच में इससे हमें ये लाइन सुनाई देती है या नहीं। मैंने इस नंबर को डायल कर लिया है और इसको कॉल करके देखते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर ली। The number you have dialed is invalid. So, ये नंबर अमान्य बता रहा है, ये भी इनवैलिड बता रहा है नंबर। तो अभी हमने जितने भी नंबर किए उसमें से एक नंबर जो था वो स्विच ऑफ बताया, दूसरा नंबर इनवैलिड और तीसरा भी इनवैलिड।